विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। प्रदेश के सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इस बीच हिमाचल में कांग्रेस ने अपने रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस यात्रा की शुरुआत कल यानी सोमवार को कांगड़ा से हुई। यात्रा ने 40 पंचायतों के कवर किया। राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि रोजगार संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण का पहला दिन शानदार रहा। जनता ने तय कर लिया है कि युवाओं को बेरोजगार बनाने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। बता दें कि कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। पार्टी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी पर राज्य के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव आरएस बाली ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारी की समस्या दूर की जाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को हटाना जरूरी है, युवा नाराज है और देश जल रहा है। बता दें कि चुनाव की बाली का टिकट करीब करीब निश्चित है। प्रियंका गांधी की करेंगी रैली। पीएम मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस के बड़े नेता भी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में भाग लेने जा रही है। प्रियंका 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे थोड़ो ग्राउंड के परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली करेंगी। प्रियंका गांधी यहां रैली को संबोधित करेंगी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।